हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एस एन फूड। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चावल के आटे का पीठा की रेसिपी। गेहूं के आटे से गाइस ऑलरेडी बताया हुआ है, रेसिपी बनाई हुई, बट आज गाइस हम चावल के आटे से बनाएंगे। तो उसके लिए एक कटोरी चना दाल ले लिया है, इसको ओवर नाइट भिगो के रख दिया था। अब इसको इसका सारा पानी निकाल लिया, वॉश कर लिया और इसको जार में डाल दिया है। इसको हम पीसेंगे गाइज। इसे ट्राई करिएगा कि विदाउट वाटर, बिना पानी के इसको पीसे, पीस जाएगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत होगी तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब गाइज पिठा के लिए कुछ मसाले पीसेंगे। तो यहाँ पे एक गांठ लहसुन की ले ली है और 5 से 6 हरी मिर्च ले ली है। अब गाइज इसमें आधी चम्मच जीरा डाल लेंगे और आधी चम्मच ही ये गोल मिर्च डाल लेंगे, काली मिर्च। अब गाइज इसे हमें पीस लेना है, हल्का सा वाटर डाल सकते हैं, थोड़ा सा वाटर डाल के इसको पीस लेते हैं। ये देखिए गाइस, दाल और मसाला दोनों माँ पिस चुका है। ये देखिए एकदम स्मूथ पिस चुका है दाल, और ये मसाले भी हमारे अच्छे से पिस चुके हैं। एक ही बर्तन में मैंने दोनों को डाल दिया है। ये देखिए गाइस, पिठा बनाने के लिए हम पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं, आधा पतीला पानी ले लिया है हमने। अब गाइस इसमें हमें ऑयल डालना है, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, सरसों का तेल, ताकि पिठा आपस में चिपके नहीं। 1 से 2 चम्मच डाल ले तेल, पानी को अच्छे से खोलने देंगे, गर्म होने देंगे। अब गाइज इसमें मसाले डाल लेंगे। तो आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे, आप स्वाद अनुसार डालें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब गाइज पिठा बना लेते हैं। तो उसके लिए लोई काट ली है, इसको ऐसे स्मूथ कर लेंगे, मसल लेंगे, ऐसे गोल करके इसको बेलेंगे। मैं गाइस थोड़ा सा सूखा आटा लगा के एकदम हल्के हाथों से बेलेंगे, प्रेशर नहीं डालना है, एकदम हल्का हल्का बेल लेंगे। देखिए गाइस रोटी के शेप का बेल लिया है। अब मैं गाइस हम ये दाल को भरेंगे, बीच में डाल के ऐसे लंबा कर देना है। अब इसको हमें फोल्ड करना है, जैसे गोजिया को हम फोल्ड करते हैं ना, वैसे ही इसको दबाना है। अच्छे से दबाइएगा ताकि ये खुले ना। ठीक है गाइस, पिट्ठा हमारा बन गया है। ऐसे आपको अच्छे से इसको पैक कर लेना है। अब ये देखिए गाइस, पानी भी हमारा अच्छे से खोल चुका है। अब इसमें हम पिट्ठा को डाल लेंगे और ऐसे ही सारे बना के डाल लेंगे। पिट्ठा को तब तक पानी में रखना है जब तक ये ऊपर ना आ जाए, वो इसका पहचान है गाइस कि ये पक चुका है। गाइस पिट्ठा हमारा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है पानी में। अब गाइस मैं इसे आपको डायरेक्टली सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, पिट्ठा हमारा रेडी हो गया है, इसे मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है। इसे गाइस आप टोमेटो सॉस के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ, सब्जी के साथ, या फिर इसे फ्राई करके, या फिर इसे ऐसे भी आप खा सकते हैं। इसे कई तरीके से खाया जाता है, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, पिठा की एक और रेसिपी मेरे चैनल पे है, वो हमने गेहूं के आटे से बनाया था, ये चावल के आटे से बनाया है। दोनों ही बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपने कभी नहीं खाया है, ऐसे नहीं बनाया, तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।